हेलो, नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। और आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। और आशा करते हैं कि आप लोग भी पूजा पाठ घर में किए होंगे और गंगा स्नान किए होंगे। नहीं, अगर सुविधा होगा गंगा स्नान का तो घर में भी गंगा जल डाल के नहा सकते हैं। और बाकी सोना चांदी भी आज के दिन खरीदना शुभ मानते हैं। और दान, पंडितों को दान करना, कुछ कुछ जो भी आपकी श्रद्धा हो, यथाशक्ति तथा भक्ति। और बाकी जो है रामायण वगैरह करते हैं, उसमें तुलसी जी का और विष्णु भगवान का खास करके पूजा माना गया है, क्योंकि विष्णु के अवतार हैं परशुराम, उनकी जयंती है और उनका छठा अवतार है परशुराम जी विष्णु भगवान के, तो आज उनकी जयंती है। और फिर कई लोग घरों में रामायण वगैरह भी होता है आज के दिन, तो अच्छा मानते हैं। आज आपको एक छोटा सा कथा परशुराम जी के बारे में बताते हैं। परशुराम जी बहुत ही क्रोधित थे और राम सीता स्वयंवर तो सभी को याद है, सब सब लोग जानते हैं, क्योंकि रामायण वगैरह आजकल हर जगह दिखाया जाता है। तो लेकिन ये शायद ये आप लोगों को नहीं पता होगा कि वो धनुष किसका था और किसने दिया था और परशुराम क्यों क्रोधित हुए, तो उन सभी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगी आपको। और मेरा चैनल आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। इसमें क्या है कि जब वो जो धनुष रामचंद्र जी ने तोड़ा था, वो जानकी जी ने वो शिव धनुष उठाया था एक जगह से, वो बहुत कोई हिला ही नहीं सकता था उस धनुष को। तो जानकी जी क्या की थी, एक दिन तो उठा के उसको एक जगह से दूसरे दिन रख दी। तभी जनक जी प्रण किए थे कि हम अपने बेटी का विवाह ऐसे ही बहादुर पराक्रमी से करेंगे जो कि इस धनुष को तोड़ेगा। तो हम स्वयं फिर उन्होंने स्वयंवर रचाया था। फिर उसमें फिर रामचंद्र जी को भी बुलाया गया था, सभी को, सभी राजा महाराजा सभी को बुलाया गया। और फिर जब राम धनुष तोड़ लिए, सभी लोग तोड़े, कोई नहीं तोड़ पाया, और फिर रामचंद्र जी ने उसको तोड़ा, तब ये परशुराम जी आए और उनका और लक्ष्मण जी का बहुत भीषण संवाद हुआ। वो उन्होंने मतलब बहुत गुस्सा किए। फ्रेंड्स, ये परशुराम जी जो थे बहुत ही क्रोधित स्वभाव के थे, और जब उन्होंने देखा कि शिव धनुष टूट गया, रामचंद्र जी ने तोड़ दिया, तो वो आए और बहुत ही क्रोधित हुए। और फिर उनका लक्ष्मण जी से बहस हुई, काफ़ी देर तक बहस चली। फिर उसके बाद में रामचंद्र जी ने बोला कि, फिर रामचंद्र जी ने काफ़ी उनका गुस्सा शांत करने की कोशिश की, उसके बावजूद नहीं शांत हुए। तब बोलते हैं रामचंद्र जी, देव धनुज भूपति बट नाना, संबल अधिक हो बलवाना, जौरन हमहि पचारे को, लरहि सुखेन काल किन हो। मतलब देवता, दैत्य, राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, और यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। फिर परशुराम जी को समझ में आया कि ये तो
विष्णु अवतार में, सातवें अवतार में रामचंद्र जी ही हैं, और जो कि मतलब हमें चैलेंज दे सकते हैं। फिर उन्होंने परीक्षा लेना चाहा रामचंद्र जी का। फिर वो बोलते हैं, राम रमा पति कर धनु ले हूँ, खेचूं मिटे मोर संदेह हूँ, देन चाप आप ही चली गय हूँ, परशुराम मन विरामय भय हूँ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मणपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिसमें मेरा संदेह मिट जाएगा। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह अपने आप ही रामचंद्र जी के हाथों में चला गया धनुष। तब परशुराम जी के मन का संदेह हटा और आश्चर्यचकित हुए, और उन्होंने मतलब मान लिया कि हाँ, विष्णु भगवान के अवतार श्री रामचंद्र जी हैं।